ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में आपने अभी तक सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस पढ़े हैं। जनरल सॉल्यूशन आपने तीन कैटेगरी में मैंने जनरल सॉल्यूशन आपको डिवाइड करके बताया था, उस पर बेस अपन ने कुछ क्वेश्चन करे थे। साथ में कल की क्लास में आपने ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर सी, इस तरीके का यदि कोई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आता है तो आप किस तरीके से अप्रोच करेंगे क्वेश्चन को और क्या क्या उस पर बेस क्वेश्चन बन सकते हैं, ये मैंने आपको कल डिस्कस किया। कल साथ में आपको होमवर्क के कुछ क्वेश्चन दिए थे, आई होप सारे क्वेश्चन आपके जम गए होंगे। कोई डाउट है आपको तो आप पूछ सकते हैं अभी, होमवर्क के क्वेश्चन में आपको कोई डाउट हो जो कल दिए थे। और दो मिनट मैं वेट करता हूँ बाकी बच्चे इसमें एंटर हो जाएं, फिर अपन यहाँ पर शुरू करेंगे। तब तक आपका कोई क्वेरी है, डाउट है तो वो आप पूछ लीजिए। आज अपन जो डिस्कशन करेंगे इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जैसा आपको बोला था कि आपने क्या नहीं करना है ये सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम क्या नहीं कर सकते हैं। तो आज अपन यही सीखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करते वक्त हमको क्या क्या नहीं करना है, किन बातों से हमको बचना चाहिए जब अपन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो आज अपना डिस्कशन का टॉपिक ये रहेगा। चलिए 7 मिनट ऊपर हो चुके हैं, अब अपन शुरू करते हैं, बाकी बच्चे इसमें अब ऐड होते रहेंगे। तो मूविंग ऑन टू दी फर्स्ट, अपना हेडिंग सबसे पहले अपन डाल देते हैं और हेडिंग ये है, ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेम्बर, ठीक है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी रिमेम्बर, कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखने चाहिए, याद रखने हैं आपको, जो कि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त हेल्प करेंगे। तो अवर नेक्स्ट हेडिंग इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेम्बर, और इसमें अपन ये सीख रहे हैं कि आप क्या क्या नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहला, जो जब भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आएंगी तो आप सबसे पहले क्या करोगे, फर्स्ट है हमारा चेक द वैलिडिटी ऑफ गिवन इक्वेशन, ये सबसे पहली पॉइंट हम चेक करेंगे, चेक द वैलिडिटी ऑफ गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, मतलब वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन वैलिड है कि नहीं, सबसे पहले आप ये चेक करोगे। यदि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ही वैलिड नहीं है तब उसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा और अपन फिर नो सोल्यूशन लिख के क्वेश्चन खत्म कर देंगे, या आपको नंबर ऑफ सोल्यूशन पूछा होगा तो आप 0 लिख के क्वेश्चन खत्म कर दोगे। तो सबसे पहले वी हैव टू चेक द वैलिडिटी ऑफ द गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, जो दिया गया ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है वो वैलिड है कि भी नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दे दूं 2 sin theta minus cos theta equals to 4। तो अब इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो दिस इक्वेशन कैन नेवर बी ट्रू, कैन नेवर बी ट्रू फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा, फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा। और रीजन उसका यह है कि सिंस 4 डज नॉट बिलोंग टू इट्स रेंज, इट्स रेंज इज व्हाट, √5 - √5 से +√5, ये इसका रेंज है। √5 का वैल्यू 2 point something होता है और ये जो 4 है वो उस रेंज के बाहर हो गया, मतलब आप थीटा का कोई ऐसा रियल वैल्यू यहाँ बता ही नहीं सकते जो आप यहाँ पर डालोगे और वो जो है वो 4 आ जाए, क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो √5 होती है, तो ये 4 तक तो कभी जाता ही नहीं। और इसलिए ये सबसे पहली बात है
क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपने उसकी वैलिडिटी चेक करनी है कि वैलिड है कि भी नहीं है। वैलिड, अब मान लो जैसे ये वैलिड नहीं है, तब आप इस क्वेश्चन का आंसर क्या करोगे, नो सोल्यूशन लिख के क्वेश्चन खत्म कर दोगे और कुछ नहीं। रीजन देना चाहोगे तो रीजन ये लिख देंगे कि फोर डज नॉट, यहाँ डज नॉट बिलोंग्स टू, कर लेना फोर डज नॉट बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, चार इसमें आता ही नहीं, और जब इसमें आता ही नहीं तो फिर ये सॉल्यूशन बनाई गई। ठीक है, सो दिस इज अवर फर्स्ट बात। ये तो मैं क्वेश्चन को सॉल्व करते करते भी आपको बता चुका हूँ। मूविंग ऑन टू अवर सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट है इक्वेशन, इक्वेशन मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस टेन थीटा एंड sec थीटा, मतलब ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जिनमें tan थीटा आ रहा हो और sec थीटा आ रहा हो, कैन नेवर हैव सॉल्यूशन ऑफ द फॉर्म tan नेवर हैव द सॉल्यूशन ऑफ फॉर्म थीटा इक्वल्स टू 2n प्लस 1 pi by 2। Similarly, equation involving cot theta and cosec theta can never have solution of form theta equals to n pi, और दोनों जगह n जो है वो n belongs to i। तो याद रखें कि यदि किसी trigonometric equation में tan theta या sec theta आ गया तो उस trigonometric के equation के final answer में कभी भी odd multiple of pi by 2 नहीं आएगा, क्योंकि पाई बाई टू के ऑड मल्टीपल पर टेन एंड सेक बोथ आर नॉट डिफाइंड। आपने पढ़ा है टेन 90 नॉट डिफाइंड होता है, आपने पढ़ा है सेक 90 नॉट डिफाइंड होता है, और 90 के जितने भी ऑड मल्टीपल्स होंगे सब पर टेन और सेक नॉट डिफाइंड। और इसलिए फाइनल आंसर में ये जरूर चेक कर लें कि कहीं आपके फाइनल आंसर में पाई बाई टू, थ्री पाई बाई टू, फाइव पाई बाई टू, सेवन पाई बाई टू, नाइन पाई बाई टू, मतलब पाई बाई टू के ऑड मल्टीपल्स तो आंसर में नहीं आ गए। यदि आंसर में आप वो लिख दोगे तो आप गलत हो जाओगे। तो इसलिए यदि टेन थीटा और सेक थीटा का इन्वॉल्वमेंट है तो आपको सॉल्यूशन करने में पाई बाई टू को वहां से निकाल के फेंक देना है, पाई बाई टू आप आंसर में नहीं करेंगे। मैं इसका यूटिलाइजेशन एक क्वेश्चन में आपको बताता हूँ, देखो आप इसका स्क्रीन शॉट लो, मैं क्वेश्चन देखता हूँ, यदि मिल गया आपकी किस्मत से तो अपन क्वेश्चन बताते हैं वो वाला। तब तक आपके कोई डाउट है इसमें, इतनी बात जो मैंने आपको बताए दो पॉइंट, और भी दो तीन पॉइंट है, ठीक है, इन बातों का विशेष ध्यान रखेंगे जब अपन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इन बातों से विशेषता बचना चाहिए। जैसे कि मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये जो मैंने सेकेंड पॉइंट बताया इस पर बेस्ड क्वेश्चन आप देखिए। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 2, वेयर वी डिस्कस वन क्वेश्चन बेस्ड अपॉन दिस कंसेप्ट, कि क्या जो मैं बोला हूँ यहाँ पर वो क्या बोला हूँ एक्चुअली। तो दूसरे पॉइंट को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो भूमिका सिंह सेंगर सर, व्हाट यू रोट बिफोर इक्वेशन, इक्वेशन के पहले सॉल्यूशन ऑफ द फॉर्म लिखा है, सॉल्यूशन ऑफ फॉर्म थीटा बराबर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू। सर सेकेंड लाइन में यहाँ पर ना, नो सर सेकेंड पॉइंट के सेकेंड लाइन में वो भी वही लिखा है, सॉल्यूशन ऑफ द फॉर्म थीटा बराबर एन पाई, जो यहाँ लिखा है वही यहाँ पे, सॉल्यूशन ऑफ फॉर्म थीटा इक्वल्स टू एन पाई। ठीक है भूमिका? यस सर। तो देखिए अभी
क्या करेंगे आप? तो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा था, एंड द क्वेश्चन है, जैसे आपको ये दिया है, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन, और आपको यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दे रखी है, टेन एक्स प्लस सेक एक्स बराबर टू कॉस एक्स, ठीक है, टेन और सेक का इन्वॉल्वमेंट आ गया, टेन एक्स प्लस सेक एक्स बराबर टू कॉस एक्स, और आपको ये जो सॉल्यूशन बताना है जो किस इंटरवल में बताना है, इन इंटरवल 0 से 2π, 0 to 2π का मतलब जो है इट इज फर्स्ट राउंड, फर्स्ट कंप्लीट रोटेशन, मतलब आपको पहला दूसरा तीसरा चौथा क्वाड्रेंट में, इन चार क्वाड्रेंट में इसका आंसर बताना, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो जो मैंने आपको बात बताई कि जब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में टेन और सेक आ जाएगा तो कभी भी आपके आंसर में पाई बाई टू के ऑड मल्टीपल नहीं आएंगे, वो आपको आंसर में से निकालने पड़ेंगे, क्योंकि टेन पर और सेक पर, क्योंकि 90 डिग्री के ऑड मल्टीपल पर टेन और सेक नॉट डिफाइंड होते हैं। तो अब देखिए, जब आप इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे तो आप क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे भाई, इसको सॉल्व करने का तरीका यही है कि आप साइन कॉस में कन्वर्ट कर दीजिएगा, तो टेन को अपन लिखेंगे साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, टेन की जगह पर साइन बटा कॉस आएगा, फिर सेक को अपन क्या लिखेंगे, सेक को लिखेंगे 1 बाई कॉस एक्स, और 2 cos x अपनी जगह पर एस सच बैठा है तो इसको 2 cos x ही लिखेंगे। नाउ इन दी नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, वी टेक दी LCM, अपन ये cos x को यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अगला स्टेप आपको क्या मिलेगा, अगला स्टेप में आपको मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड में 1 plus sin x, और राइट हैंड साइड में ये जो cos x है यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, 2 cos² x बना गया, और अब आप इसको ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, तो लेफ्ट हैंड साइड का 1 plus sin x रिमेन्स एज सच, राइट हैंड साइड में cos² x को आप लिख सकते हो 1 minus sin² x। नाउ ये दोनों टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर कर लेना, सो यू गॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 2 sin² x प्लस साइन एक्स माइनस 1 = 0। नाउ व्हेन यू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फॉर्मूला मेथड, जब आप इसको फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करके इसके रूट्स निकालेंगे, तो इसके जो रूट्स की वैल्यूज हैं इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के बाद, 2 sin² x प्लस साइन एक्स माइनस 1, इसको सॉल्व करोगे तो इसकी दो वैल्यूज आती हैं, एक साइन एक्स बराबर 1/2 आता है और एक आता है साइन एक्स बराबर -1/2। अब साइन एक्स बराबर 1/2 दो क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में, इसके दो वैल्यूज आएंगे, एक आएगा 30 डिग्री पाई बाई 6 और एक आएगा 150 डिग्री इट इज 5π/6। ये दो एंगल पे साइन 1/2 होता है, और साइन माइनस वन आएगा इसका रूप, और साइन एक्स माइनस 1 कब आएगा, एक्स बराबर 3π/2 पर। तो अब जब आप इसके क्या पूछे थे, आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे थे, तो कितने सॉल्यूशन मिले, 1, 2, 3, लेकिन आंसर 3 नहीं करेंगे इस क्वेश्चन का, आप आंसर कितना करोगे, 2 करोगे। क्यों करोगे 2, क्योंकि इसको अपन निगलेक्ट कर देंगे, पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल नहीं लेना है, क्योंकि पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल पर टेन और सेक नॉट डिफाइंड हो जाए। तो ये मैंने बोला कि भले ही आपके 3 सॉल्यूशन आए, लेकिन आप देख रहे हो कि हमारे क्वेश्चन में टेन और सेक का इन्वॉल्वमेंट था, और tan और sec both are not defined at 90 degree, तो हम कभी भी नहीं बोल सकते कि हमारा आंसर x बराबर pi by 2 होगा। तो इन चीजों को ध्यान रखना है, इनको बहुत इंपॉर्टेंटली आपने आंसर लिखते वक्त 2 ही आंसर करेंगे, 3 नहीं करेंगे। तीसरा क्यों हट गया, क्योंकि उस 90 degree पर tan और sec not defined हो जाए, ठीक है। तो ये मैंने पॉइंट आपको लिखाया था, नित्या जो आपको बोला है सेकेंड पॉइंट में कि यदि tan और sec का इन्वॉल्वमेंट होगा तो आंसर में 90 और 90 के ऑड मल्टीपल आएंगे, तो उनको आंसर में अपन इंक्लूड नहीं करेंगे।
मैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व किया हूँ, साइन कॉस में कन्वर्ट किया, फिर हमारा साइन में क्वाड्रेटिक बना, इसको सॉल्व किया तो दो वैल्यूज आई, साइन एक्स 1/2 इन दो एंगल पर होता है और साइन एक्स माइनस हाफ, सॉरी साइन एक्स का वैल्यू माइनस वन आता है 3π/2 पर। बट जब हम आंसर करेंगे तो कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन लिखेंगे, दो, तीन नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि 3π/2 पर टैन और sec नॉट डिफाइंड है, इसलिए उसको फाइनल आंसर में से अलग कर लेना। फाइनल आंसर में कोई भी ऐसा एंगल नहीं आना चाहिए जिस पर गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का कोई पर्टिकुलर टर्म नॉट डिफाइंड हो जाए। टेक दी स्क्रीनशॉट, नित्य पटेल, आई होप आप समझ गए होंगे। ओके बेटा, चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। दिस इज अवर सेकंड पॉइंट एंड इट्स एक्सप्लेनेशन। सेकंड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट टू बी रिमेम्बर मैं आपको बता रहा हूँ, उसका ये दूसरा पॉइंट था। नाउ वी मूव ऑन टू थर्ड पेज, थर्ड पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखेंगे। सो अवर थर्ड पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कई बच्चों ने मेरे को पहले भी पूछा था, और पॉइंट है, एक मिनट वेट करें, मैं थोड़ा इंक डाल देता हूँ। तो अभी तक मैंने दो पॉइंट डिस्कस किए, तब तक आप वो दो पॉइंटों को एक बार देख लो, और उनमें कोई डाउट है तब तक आप पूछ सकते हो। एक मिनट दीजिए मेरे को बस। पहला पॉइंट तो हमारा था कि हमको वैलिडिटी चेक करनी है। फर्स्ट वी चेक दी वैलिडिटी ऑफ दी गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। वैलिड नहीं होगा तो फिर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। सर 5π/6 ऑड नहीं है बेटा, 5π/6 5π/6 का ऑड मल्टीपल है, लेकिन मैं आपको वो नहीं बोला कि 5π/6 का ऑड मल्टीपल, मैंने ऑड मल्टीपल किसको बोला है आपका, ऑड मल्टीपल 5/2 का नहीं होना चाहिए, बाकी ऑड मल्टीपल चलते, लेकिन 5/2 का ऑड मल्टीपल नहीं होना चाहिए, मतलब 5/2 नहीं होना चाहिए, 3π/2 नहीं होना चाहिए, 5π/2 नहीं होना चाहिए, 5/6 का ऑड मल्टीपल तो चलता, क्योंकि जो आपने दो एंगल लिखे हैं 5/6 और 5π/6 बोथ आर दी ऑड मल्टीपल्स ऑफ 5/6, बट हमने 5/6 का ऑड मल्टीपल पर कोई बात नहीं लिखी है, हमने क्या लिखा है कि 5/2 का ऑड मल्टीपल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही अपने डाउट्स आप क्लियर कर लिया करो। ओके, ये भूमिका का डाउट था, वेरी गुड भूमिका। चलिए तो चलते हैं अपन, मेरा थर्ड पॉइंट जो है, थर्ड पॉइंट है कि स्क्वायरिंग शुड बी अवॉइडेड एज फार एज पॉसिबल, जितना हो सके उतना स्क्वायरिंग करने से बचना चाहिए, क्योंकि स्क्वायरिंग करने का मतलब है आप क्या नंबर ऑफ सॉल्यूशंस को बढ़ा रहे हो। ठीक है, स्क्वायरिंग जब भी आप करते हो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का तो इनडायरेक्टली आप सॉल्यूशन बढ़ा रहे होते हैं। जैसे तो पहले तो अपन पॉइंट लिख लेते हैं कि स्क्वायरिंग शुड बी अवॉइडेड एज फार एज पॉसिबल। और बिल्कुल 99% तो हम अपनी कोशिश यही रखेंगे कि स्क्वायरिंग नहीं करें, बट यदि स्क्वायरिंग करना ही पड़े
So squaring should be avoided as far as possible. If squaring is done, then check for extra solution. सबसे पहली बात तो स्क्वायरिंग करने से बचना चाहिए, क्योंकि स्क्वायरिंग करने से नंबर ऑफ सॉल्यूशन बढ़ते हैं और बहुत ज्यादा, जैसे मैंने आपको बोला ना 99% केसेस में अपन स्क्वायरिंग करने से बचेंगे, क्योंकि स्क्वायरिंग करने से नंबर ऑफ सॉल्यूशन बढ़ जाते हैं और जो बड़े हुए सॉल्यूशन है वो हर सॉल्यूशन जरूरी नहीं है अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, इसलिए जो बड़े हुए सॉल्यूशन है उनके लिए चेक करना पड़ता है कि वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं, यदि होंगे तो फाइनल आंसर में इंक्लूड होंगे और नहीं होंगे तो फाइनल आंसर में एक्सक्लूड होंगे, ठीक है। सो इस पर मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि क्या आपको, जैसे आपने ऑलरेडी एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कल सॉल्व किया हुआ है, मैंने उसको साइन में भी कन्वर्ट करके सॉल्व किया था और कॉस में भी कन्वर्ट करके सॉल्व किया था, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दिया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू वन, कल आपने सॉल्व किया इसको दोनों से सॉल्व किया और कल आपने इसके आंसर निकाले थे 2n पाई और 2n पाई प्लस पाई बाई टू, ठीक है। ये आपने कल इसको सॉल्व किया है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को, अब जो एक्चुअल तरीका है वो कल आपको बताया था, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम ऐसा भी कर देते हैं, तो मैंने क्या कर दिया, इसका स्क्वायरिंग कर दिया बोथ साइड। पहले तो मैं इसके सॉल्यूशन लिख देता हूँ, एक्चुअल सॉल्यूशन जो कल आते हैं, कल आए थे और वो सॉल्यूशन ये आए थे, इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो ये था कि थीटा की जो वैल्यू है आपकी वो 2n पाई और 2n पाई प्लस पाई बाई टू आती है, कल आपने लिखे थे, इतनी वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई करती है, ठीक है। लेकिन अब मान लो आपने इस क्वेश्चन को जो एक्चुअल मेथड कल एक्चुअल मेथड में अपन ने क्या किया था, 1/√2 से डिवाइड करके फर्दर सॉल्व किया था, लेकिन अब यदि आप इसको ऐसे सॉल्व करते हो, इससे बचना है, अपन ने एक क्वेश्चन दिया है और उस क्वेश्चन को मैंने बोथ साइड स्क्वायरिंग से मार दिया, मान लो अब जैसे ही आप इसका स्क्वायरिंग करते हो तो लेफ्ट हैंड साइड में इट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin θ इंटू कॉस थीटा और राइट हैंड साइड में 1 है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 होता है तो ये 1 is 1 से कट जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप में 2 sin θ cos थीटा साइन 2θ का फॉर्मूला होता है, तो वी गेट साइन 2θ बराबर 0 एंड वी नो दैट कि साइन थीटा बराबर 0 का जनरल सॉल्यूशन होता है थीटा बराबर एन पाई, एन इंटीजर है तो एन बिलोंग्स टू आई, सो नाउ दिस एम्प्लाइज थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, एन पाई बाई 2 आएगी, तो इससे हमको ये सॉल्यूशन मिलते हैं। अब आप देखिए कि ये सॉल्यूशन जो आपको मिले, आपने यहाँ पर कितने सॉल्यूशन बनाए हैं और इन सॉल्यूशन में आप देख लो कि जो इंक्लूडेड सॉल्यूशन है जो आपके आंसर में नहीं आने चाहिए वो है, जैसे आप यहाँ पर n का वैल्यू 2 डालेंगे तो आपको मिलेगा पाई, n का वैल्यू 2 डाल देंगे तो पाई, फिर n का वैल्यू 3 डाल देंगे तो 3π/2, फिर और इसमें n की वैल्यूज हैं -π, -3π, -π आएगा -π/2, ये आप देखो सारे एंगल्स जो जितने भी मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं और भी ऐसे बहुत सारे मिलते हैं एक्सेट्रा, ये सारे एंगल दे आर नॉट दी सॉल्यूशंस ऑफ गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, और ऐसे भी बहुत सारे मिलेंगे और ये जो है ये एक्स्ट्रा सॉल्यूशन आगे, और ऐसे इसमें से हर एक्स्ट्रा सॉल्यूशन आपको निकाल के बाहर करना पड़ेगा तब आप फाइनल आंसर करोगे, क्योंकि ये सॉल्यूशन में n तो इंटीजर है, जब आपने n का वैल्यू यहाँ पर 2 लिया तो पाई आ गया, 3 लिया तो 3π/2 आ गया, n की जगह पर -2 लिया तो -π आ गया, n की जगह पर मैंने -1 लिया तो ये -π/2 आ गया, ये जो सॉल्यूशन है ये एक्स्ट्रा निकल के आ गए जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करते ही नहीं, क्योंकि आप देखो यदि मैं थीटा की जगह पर पाई लेता हूँ, If we take थीटा की जगह पर पाई तो साइन 180 कितना होता है 0 होता है और कॉस 180 कितना होता है -1 होता है, तो थीटा को पाई लेने से आपको -1/1 मिलेगा जो कि कॉन्ट्रडिक्शन है जो कि होता ही नहीं है, तो हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक ये सॉल्यूशन बनते ही नहीं,
अब जैसे मैं थीटा की जगह पर 3π/2 ले लूं, तो साइन 3π/2 का वैल्यू -1 आता है, cos 3π/2 जीरो आता है, और यहां से भी आप देख रहे हो -1 = 1 हो गया। यदि मैं -π डालता हूं थीटा की जगह पर, तो साइन -π का वैल्यू जीरो होता है और cos -π का वैल्यू -1 आता है, और -1 कभी 1 के बराबर नहीं होता है। तो ये बराबर आते ही नहीं, बराबर नहीं आते, इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करते ही नहीं। और आप अपने आंसर में यदि ऐसा लिख दोगे तो आप गलत हो जाओगे, क्योंकि इसमें ये आंसर ये इंक्लूड हो गए और इसलिए फाइनल आंसर ये नहीं जमेगा। तो ये मैंने सेकंड पॉइंट थर्ड पॉइंट आपको लिखाया है कि स्क्वायरिंग करने से बचना चाहिए। यदि आप स्क्वायरिंग करके सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चन को, तो इसका इनडायरेक्टली मतलब है कि आप एक्स्ट्रा सॉल्यूशन निकाल रहे हो, और जो एक्स्ट्रा सॉल्यूशन अब निकल के आ गए वो एक्स्ट्रा सॉल्यूशन गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करते। क्योंकि एक्चुअली हुआ क्या है, हुआ ये है कि मैंने तो भैया आपको दिया था साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1 को सॉल्व करो, मैंने आपको ये दिया था, और आपने होशियारी में क्या कर दिया, अपन ने ये कर लिया भैया कि अपन इसका स्क्वायरिंग मार दिए बोथ साइड। जब बोथ साइड आपने स्क्वायरिंग माना, तो आप मेरे को ये बताओ स्क्वायरिंग मारा तो सॉल्यूशन बढ़ाया आपने, ये बढ़ के आ गए सॉल्यूशन। तो जो बढ़े हुए सॉल्यूशन है, अब ऐसे आप कितना चेक करते रहोगे, भाई ये 3-4 लिखने में ही मेरे को पसीना आ गया, और भी बहुत इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज होंगे जो यहां से मेरे को निकालने पड़ेंगे, तब जाके मैं सॉल्यूशन पर एग्जैक्ट सॉल्यूशन ये इस पे पहुंचूंगा। तो ये अपने लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल सी बात हो जाएगी कि मैं पहले ये सारे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन लिखूं और फिर इसमें से वो सारे निकालते रहूं, जिसके लिए ये नॉट डिफाइंड होते जा रहा है, क्योंकि फाइनल आंसर में वो टर्म आनी नहीं चाहिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती नहीं। इसमें पाई है इंक्लूडेड, पाई इसको सेटिस्फाई नहीं करता, पाई आंसर में नहीं आना चाहिए, हमारा आंसर में आ चुका है। तो इसको एक्स्ट्रा सॉल्यूशन के लिए चेक करना ये आपको बोला। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एक्चुअली ये एक्स्ट्रा सॉल्यूशन मिले क्यों। भाई आपको स्क्वायरिंग नहीं करना है, लेकिन स्क्वायरिंग कर दिया मान लो, तो ये बना, इसको सॉल्व किया तो एक्स्ट्रा सॉल्यूशन मिले। अब आप ये सोचो यदि मैं इसका बोथ साइड स्क्वायर रूट लेता हूँ फिर से, तो स्क्वायर रूट जब फिर से लेंगे तो ये 2 साइन दे देगा। अब आपको आप इसी का स्क्वायर रूट लो तो फिर क्या आएगा, 2 साइन आएगा प्लस माइनस 1। तो इनडायरेक्टली मैं तो आपको इसको सॉल्व करने के लिए बोला था, और आप किसको सॉल्व कर रहे हो, आप सॉल्व कर रहे हो इसको प्लस माइनस वन को सॉल्व कर रहे हो। स्क्वायरिंग करने का मतलब आप +1 = भी लेके इसको सॉल्व कर रहे हो, -1 भी लेके सॉल्व कर रहे हो। तो +1 वाला आपको केवल सॉल्यूशन लिखना है, -1 वाले सारे सॉल्यूशन निकल जाएंगे। और आप ये देख रहे हो कि यही जो वैल्यूज हैं जो मैंने लिखी है ना, इन पर इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की वैल्यू 1 नहीं आती, क्या आती है, -1। ये देखो ये भी -1 आया था, ये भी -1 आया था, ये भी -1 आया था। तो इसमें जो एक्स्ट्रा सॉल्यूशन आ गए वो कौन से वाले आ गए, -1 वाले आ गए। इसलिए आपको बोलते हैं स्क्वायरिंग शुड बी अवॉइडेड एज फार एज पॉसिबल, जितना हो सके स्क्वायरिंग करने से बचो। यदि बहुत ही ज्यादा मजबूरी हो जाएगी तो स्क्वायरिंग करेंगे, बट जो एक्स्ट्रा सॉल्यूशन बने हैं वो फाइनल आंसर में नहीं लिखेंगे, उनको निकाल देना फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये है हमारा थर्ड पॉइंट। अब आपको कोई डाउट है इसमें तो पूछ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये कुछ बातें हैं जो बहुत जरूरी हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करते वक्त आपको ध्यान रखनी है। चलते हैं पेज नंबर 4 पर। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 4, और पॉइंट नंबर 4 ये बोल रहा है कि दोनों तरफ आपको थीटा को कंटेन करने वाले टर्म को कैंसिल नहीं करना है। मतलब पॉइंट यह है, डू नॉट कैंसिल कॉमन फैक्टर containing
अननोन एंगल अननोन एंगल जैसे मतलब जो अपना थीटा है, तो थीटा को कैलकुलेट करना, थीटा को कंटेन करने वाले दोनों तरफ से ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन, ऑफ द इक्वेशन मतलब ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, बिकॉज इट मे डिलीट सम सॉल्यूशन. तो जैसा स्क्वायरिंग करने से बचना चाहिए वैसे ही काटने से भी बचना चाहिए. आप बोथ साइड अननोन एंगल्स को कंटेन करने वाले टर्म्स को कैंसिल नहीं करोगे, क्योंकि कैंसिल करने का मतलब है आपने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जो है वो कम कर दिए. जैसे आप एलजेब्रा में बात करें, मैं आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हूं, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जनरली हम किसको फाइंड करते हैं, एक्स को. तो मैं आपको जैसे ये दे दिया, तो जनरली जो अपन करते हैं भाई एक्स स्क्वायर दे दिया और राइट हैंड साइड में 2x दे दिया. तो ये सॉल्व करने के लिए बच्चे करते हैं, ये गलत अप्रोच है. एक एक x काट दिया तो हमको मिल गया x बराबर 2, सॉल्यूशन मिल गया. ये करेक्ट है, बट आपने ये पढ़ा है यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया है तो x पे जो हाईएस्ट पावर है एट द मोस्ट उतने सॉल्यूशन होते हैं. यहाँ पर x पे 2 का पावर है तो कितने सॉल्यूशन आने चाहिए, 2 सॉल्यूशन. तो आपने क्या है, जिस अननोन का वैल्यू निकालना वो अननोन बोथ साइड एक एक उड़ा दिया, और उड़ा दिया तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कम हो गया. एक्चुअल सॉल्यूशन जो है वो ऐसे नहीं करना आपको. एक्चुअल सॉल्यूशन जो करने का तरीका है सही वो ये है कि आप 2x को ट्रांसफर करो, फिर x कॉमन लो, फिर आप या तो x बराबर 0 आएगा या फिर x बराबर 2 आएगा. तो ये सॉल्यूशन तो आपको यहां से मिल रहा था, बट ये वाला आपने बोथ साइड कैंसिल कर दिया था, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कम हो गए थे. तो ये वही लिखा है कि कभी भी आपको कॉमन फैक्टर को कैंसिल नहीं करना है दोनों तरफ यदि इन्वॉल्व है, क्योंकि उसके कारण क्या होता है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कुछ कम हो जाते हैं और आपको एग्जैक्ट सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन तक आप नहीं पहुंच पाते. ठीक है, तो इस चीज को आपने अवॉइड करना है, ये भी आपको नहीं करना. जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं और आपको बताता हूँ. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं यहाँ पे साइन थीटा इंटू 2 कॉस थीटा माइनस 1. और राइट हैंड साइड में भी मैंने साइन थीटा ही रखा है और कॉस स्क्वायर थीटा ले लिया, साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा. तब आपको यही बोला है कि आप बोथ साइड साइन थीटा कैंसिल मत करना, क्योंकि साइन थीटा थीटा बराबर एन पाई पे 0 होता है. और यदि आप साइन थीटा बोथ साइड उड़ा दोगे तो वो जो पाई की जितने मल्टीपल्स हैं जो कि इसको सेटिस्फाई करते हैं वो आपके सॉल्यूशन से गायब हो जाएंगे और आपका आंसर गलत हो जाएगा. इसलिए साइन थीटा कैंसिल नहीं करना है. करने का जो सही तरीका होगा वो क्या होगा, आप इसको ट्रांसफर करेंगे पहले या इसको भी वहां ट्रांसफर कर सकते हैं. ट्रांसफर करोगे तो नेगेटिव होके आ जाएगा ये, और अब साइन थीटा कॉमन ले लीजिएगा, अंदर बचेगा 2 कॉस थीटा माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर. और अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो यहाँ से साइन थीटा बराबर 0 आता है. और इसको आप देखोगे तो ये कॉस थीटा माइनस 1 का कंप्लीट स्क्वायर है, मतलब cos थीटा बराबर 1 आएगा यहाँ से. ठीक है, दोनों को सॉल्व कर लेना तो ये बनेगा. तो इसका जनरल सॉल्यूशन थीटा बराबर n पाई आएगा और इसका जनरल सॉल्यूशन थीटा बराबर 2n पाई आएगा. ये समझ गया आप? तो आप यदि हाँ बोलो सर, आपने वो 2 cos थीटा माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिया तो सर इक्वल टू कॉस थीटा इक्वल टू 1 कैसे है सर? ये जो ये है ना, इसमें माइनस साइन कॉमन आ जाएगा, माइनस कॉमन आ जाएगा, तो आप इसको माइनस साइन थीटा और अंदर ब्रैकेट में क्या लिखोगे, कॉस स्क्वायर थीटा
माइनस टू कॉस थीटा प्लस वन। और आप जानते हो ये जो बनेगा, ये बनेगा कॉस थीटा माइनस वन का होल स्क्वायर। अब इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो है, तो या तो साइन थीटा जीरो होगा और नहीं तो कॉस थीटा माइनस वन का स्क्वायर जीरो होगा। कॉस थीटा माइनस वन का जीरो का मतलब कॉस थीटा वन, समझ गया बेटा? अभी समझ गया, अभी क्लियर है? सो वन मिनट सर, नाउ अंडरस्टैंड। क्या बोले? अंडरस्टैंड। ओके चलो ठीक। नाउ टेक दी स्क्रीनशॉट, दिस इज अवर फोर्थ पॉइंट। आपने इसमें सीखा है कि हमको बोथ साइड अननोन एंगल थीटा को कंटेन करने वाले टर्म को बोथ साइड कैंसिल नहीं करना है, अदरवाइज हमारे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कम हो जाते हैं। यदि मैं यहाँ पर साइन थीटा ओढ़ा देता था तो हमको केवल क्या मिलता था, 2nπ। 2nπ का मतलब पाई के इवन मल्टीपल, मतलब हमारा आंसर क्या बनता था, 2πाई, 4πाई, 6πाई, 8πाई, 10πाई एंड सो ऑन, पाई के इवन मल्टीपल। बट इस क्वेश्चन को पाई के मल्टीपल्स भी सेटिस्फाई करते हैं, पाई, 3πाई, 5πाई, ये भी सेटिस्फाई करता है, आप ढाल के देख लो। तो इसलिए आप फिर गलत हो जाओगे। तो अननोन एंगल को बोथ साइड कैंसिल नहीं करना है, याद रखेंगे, ठीक है। लास्ट पॉइंट अपन लिख रहे हैं पेज नंबर 5, और पॉइंट नंबर 5 पर चल रहे हैं। तो ये है कुछ पॉइंट्स जो आप याद रखेंगे, जो कि आपको क्वेश्चन में हेल्प करेंगे। और ये तो मैं आपको फिर भी जो पॉइंट लिखा रहा हूँ फिफ्थ, ये ऑलरेडी अपन ने वो सेकंड पॉइंट जो डिस्कस किया था टैन और फैक और कॉट और कोसेक वाला, वही पॉइंट है ऑलमोस्ट, फिर भी लिख लेते हैं एक बार, दूसरी लैंग्वेज में लिख रहे हैं। डिनोमिनेटर टर्म्स ऑफ इक्वेशन डिनोमिनेटर लिखा है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है, तो डिनोमिनेटर टर्म्स ऑफ इक्वेशन इफ प्रेजेंट, यदि मतलब कोई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ऐसी हो जो कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के टाइप की हो, तो ये जो टर्म है डिनोमिनेटर, इट शुड नॉट बी जीरो। शुड नेवर बी इक्वल टू जीरो, मतलब डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं, क्योंकि समथिंग अपॉन जीरो कैसा होता है, नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो इट शुड नॉट बी जीरो वाइल सॉल्विंग द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। मतलब जितना हो सके आपने कोशिश ये करनी है कि डिनोमिनेटर में यदि कोई टर्म है तो वो टर्म जिस थीटा की वैल्यू पर जीरो हो जाएंगी, उस थीटा की वैल्यू पर पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन नॉट डिफाइंड हो जाएगी। इसलिए वो जो थीटा की वैल्यूज हैं जिन पर डिनोमिनेटर जीरो हो जाता है, वो अपन को सॉल्यूशन में से अलग करने पड़ेंगे। ये बात बिल्कुल वैसे ही है जो आपने सेकेंड पॉइंट में पढ़ा था, टेन थीटा और sec थीटा वाला, ठीक है। क्योंकि टेन थीटा और sec थीटा इन्फिनिटी होने का मतलब है कि टेन और sec के जो डिनोमिनेटर हैं वो जीरो हो जा रहे हैं, बात वही है, थोड़ा से घुमा के लिखी है। तो कभी भी आप अपने आंसर में वो थीटा की वैल्यूज नहीं लिखेंगे जहां पर डिनोमिनेटर जीरो। दिस इज अवर फिफ्थ पॉइंट, और ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो वाले हैं कि भैया सेट, सबसे पहली बात तो वैलिडिटी चेक करते हैं, दूसरी बात आपको यदि टैन और सेक या कुसेक और क्वाट का इन्वॉल्वमेंट है तो थीटा की वैल्यू आप ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू
और पाई के मल्टीपल्स नहीं ले सकते रेस्पेक्टिवली, ठीक है। स्क्वायरिंग शुड बी अवॉइडेड, थर्ड पॉइंट था, स्क्वायरिंग करने से बचना है। फोर्थ पॉइंट है कॉमन फैक्टर कैंसिल करने से बचना है। फिफ्थ पॉइंट है डिनोमिनेटर में कोई टर्म है जो कि किसी पर्टिकुलर थीटा की वैल्यू पे जीरो हो जा रही है, तो वो फाइनल आंसर में आना नहीं चाहिए, वो फाइनल आंसर से अपन निकाल के फेंक देंगे, ठीक है। ये पांच पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं। अब आपके मन में कोई सवाल हो इनको लेके तो पूछ लीजिए, अदरवाइज अपन कुछ क्वेश्चन की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। तो जैसा मैंने आपको बोला, बहुत छोटा चैप्टर था और ये चैप्टर की थ्योरी आज ये खत्म हो गई, इतनी चैप्टर्स में थ्योरी थी। और अब अपन को ये दो तीन दिन क्वेश्चन का प्रैक्टिस में, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे केवल क्वेश्चन 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 की प्रैक्टिस अपन करेंगे, ताकि संडे का टेस्ट आपका बड़ा अच्छा जा सके, ठीक है। तो इतनी बात में आपको कोई अभी डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज अपन क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करना शुरू करते हैं। चलिए तो मैं अब आपको लेके चलता हूँ कुछ क्वेश्चन की तरफ, आप मेरे को आंसर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखें। फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन, और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन मैंने आपको दिया है 3 sin² x - 7 sin x + 2, 3 sin² x - 7 sin x + 2 = 0, इन इंटरवल 0 to 5π, 0 से 5π तक आपको इसका सॉल्यूशन दिखाना है, इन 0 to 5π, सही आंसर। कितने सॉल्यूशन होंगे इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन 0 से 5π तक, ठीक है। अपनी मेहनत से करिए, कहीं चीटिंग नहीं करेंगे और आंसर करेंगे जल्द से जल्द। यू हैव 2 मिनट स्पेशली फॉर दिस क्वेश्चन एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। अब केवल क्वेश्चन क्वेश्चन और क्वेश्चन ही बनाएंगे अपन इस चैप्टर में, ठीक है। प्रैक्टिस कर लीजिए आप क्वेश्चंस की अच्छे से। कल के होमवर्क के क्वेश्चन में किसी बच्चे को डाउट है तो मेंशन कर दें आप चैट बॉक्स में, तो क्या अपन क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, आपके डाउट डिस्कस करेंगे और साथ में मैं आपको 4-5 क्वेश्चन और होमवर्क में दूंगा। शीट आपके पास है ही, उससे आपको सॉल्व करना है। कोशिश यह है जो डेली हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो करंट टॉपिक पे भी आपको डेली बेसिस पे कुछ क्वेश्चन देते रहें, ताकि आपकी प्रैक्टिस होती जाए। कल कुछ क्वेश्चन दिए थे, उनमें कोई डाउट है तो पूछ लें, और आज भी आपको होमवर्क के कुछ क्वेश्चन थे। क्या बोले बेटा? नो सॉल्यूशन। अच्छा, इसका नो सॉल्यूशन नहीं, गलत जवाब है बेटा। याशीन सिद्दीकी, वेरी गुड, करेक्ट है याशीन। B
वेद सैन, ये भी करेक्ट है, वेरी गुड वेद। दो बच्चों का आंसर आया, बोथ द स्टूडेंट्स आर करेक्ट। बड़ा खुशी होता है कि इस तरीके से आप जब रिस्पॉन्स करते हैं, क्वेश्चन दिया और विद इन टाइम लिमिट। आयुष बेटा चेक करो, आप रिस्पॉन्स करते हैं तो सामने जो पढ़ाने वाला है उसका इंटरेस्ट बढ़ता है। तो आप इंटरेक्ट करो, जरूर करिए चीज़ों को लेकर, सॉल्यूशन बताइए और उससे जो टीचर है आपको पढ़ाने वाले उनको साह मिलता है। नित्या पटेल करेक्ट है, वेरी गुड। यश साइरे बेटा चेक करो, एक्स का वैल्यू नहीं आता यश को, वो साइन एक्स बराबर आती है दो वैल्यू। और अब आपको ये बताना है कि साइन एक्स बराबर जो दो वैल्यूज आई हैं वो जीरो से फाइव पाई तक कितने सॉल्यूशन बनाएंगे, मतलब एक्स से कितने वैल्यूज हैं जीरो से फाइव पाई तक जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। चलिए तो मैं डिस्कस करता हूँ ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन। देखिए आप, तो ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन में। सबसे पहले तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है उसको अपन ने सॉल्व करना है। तो मैं गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर रहा हूं। तो हमको दे रखा है थ्री साइन स्क्वायर है, मैं इसको क्वाड्रेटिक है इसलिए फॉर्मूला मेथड से सॉल्व कर रहा हूं। तो साइन एक्स बराबर आता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सेवन प्लस माइनस फाइव अपॉन सिक्स आएगा। व्हेन वी टेक पॉजिटिव साइन एंड नेगेटिव साइन, तो साइन एक्स की दो वैल्यूज आती हैं, एक तो टू आता है और एक आता है वन बाई थ्री। बट साइन एक्स टू पॉसिबल नहीं है कभी, क्योंकि साइन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू ही वन होता है, तो टू तो कभी नहीं होगा। और इसलिए साइन एक्स बराबर अब आपके पास कितना आया, वन बाई थ्री। अब आपको ये बताना है साइन एक्स वन बाई थ्री आया है तो जीरो से फाइव पाई तक साइन एक्स की कितनी वैल्यूज जो है वो वन बाई थ्री बनाएंगी। ठीक है, तो अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे आगे अप्रोच करते हैं वो आप समझिए। संकेत कलंबे करेक्ट है, वेरी गुड। और अब केवल आपको क्या करना है, तो भाई देखो मैं यहाँ पर साइन एक्स फंक्शन का ग्राफ बनाया हूँ। साइन एक्स का ग्राफ आप कैसे बनाते हो, जीरो से पाई, फिर पाई से टू पाई, फिर टू पाई से थ्री पाई, फिर थ्री पाई से फोर पाई, फिर फोर पाई से फाइव पाई। भाई मेरे को केवल फाइव पाई तक ही बनाना है ना, क्योंकि मेरे को जो आंसर पूछा है वो फाइव पाई तक ही पूछा है। मैं फाइव पाई तक बना दिया। अब आपसे पूछा है कि साइन एक्स की वैल्यू वन बाई थ्री कब आएगी, तो आप जानते हो कि वन बाई थ्री जो है साइन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू वन होता है, ये वन है, ये वन है, और वन बाई थ्री यहाँ पर कहीं होगा, वन से छोटा होगा। तो मैं क्या करता हूँ, ये वन बाई थ्री पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। कितनी जगह पर, ये जो रेड कलर की लाइन ने ग्राफ को इंटरसेक्ट किया है, कितनी जगह पर इंटरसेक्ट किया, छह जगहों पर। इसलिए इसके जीरो से फाइव पाई तक कितने सॉल्यूशन होंगे, छह। एक ये होगा, ये दूसरा होगा, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है और ये छठा है। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आते हैं, छह सॉल्यूशन। तो करेक्ट आंसर इज सिक्स सॉल्यूशन। कोई डाउट हो आपको इसमें तो पूछ लीजिए। चलिए, वेरी गुड, टेक दी स्क्रीनशॉट। Mm-hmm.
तो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ, उनको आप नोट करेंगे। कोई डाउट है आपको अभी तो पूछ लीजिए। आयुष सर, अगर ऐसा ही क्वेश्चन कॉस्ट के टर्म्स में आया तो ऐसे ही अप्रोच करेंगे ना? हाँ, सेम अप्रोच ही करेंगे बेटा कॉस्ट के लिए भी। चलते हैं तो पेज नंबर 6 पर चलते हैं। लिखिए क्वेश्चन, ये वाला तो मैंने आपको भी करा दिया। नेक्स्ट है फर्स्ट क्वेश्चन, इफ टेन थीटा प्लस टेन टू थीटा प्लस रूट थ्री टाइम्स ऑफ टेन थीटा into tan 2 theta equals to root 3, then आपको पहचानना है कि इनमें से कौन सा theta का value उसको satisfy करेगा। पहला option है 6 tan plus 1 pi by 18, दूसरा option है theta is equals to 6 tan plus 1 pi by 9, the third option is 3n plus 1 pi by 9, 3n plus 1 pi by 9, या फिर none of these। ये पहला क्वेश्चन है। जनरल सॉल्यूशन ऑफ 2√3 cos theta इज इक्वल टू 10 theta इज, आपका पहला ऑप्शन है 2n pi प्लस माइनस pi by 6, 2n pi प्लस माइनस pi by 4, n pi प्लस माइनस 1 पावर n पाई बाय 3 और n पाई प्लस माइनस 1 पावर n पाई बाय 4। नेक्स्ट है if cos theta plus cos 2 theta plus cos 3 theta equals to 0, then general value of theta, then find general value of theta। सेम क्वेश्चन साइन के लिए, इफ साइन 6 थीटा प्लस साइन 4 थीटा प्लस साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 0, देन फाइंड जनरल वैल्यू ऑफ थीटा। सेम क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 5, इफ
cos 2 theta equals to sin alpha. Then find general value of theta. यह है पांच क्वेश्चन जो कि आपने आपको होमवर्क में है, कहीं पढ़ने में आपको दिक्कत जा रही है तो पूछ लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लेके रख लें इसका, ट्राई करें आप इनको, ठीक है। भूमिका क्या पूछ रही थी सर, टेल वन मोर टाइम प्लीज, कौन सा पूछ रही हो? भूमिका क्या, फिफ्थ क्वेश्चन तो पता नहीं क्या था, मेरे को ध्यान नहीं, क्या करा था अपन ने फिफ्थ क्वेश्चन? अच्छा वो देखिए, जब दो रूट्स निकल गए, मैं बता देता हूँ अगले पेज पर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए पेज नंबर 7 पर वो जो इसका प्रीवियस क्वेश्चन मैंने बताया था वो एक बार और समझ लीजिए। आपको दिया था 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 7 साइन एक्स प्लस 2, आपको दिया है 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 7 साइन एक्स प्लस। तो आप जैसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हो ना, वैसे आप जब इसको सॉल्व करोगे तो साइन एक्स की ये दो वैल्यू देता है, एक तो देगा 2 और एक देगा 1/3, ठीक है, इसकी दो वैल्यू आती है 2 और 1/3। बट आप ये जानते हो कि साइन एक्स कभी दो हो नहीं सकता है, तो हमको साइन एक्स बराबर कितना मिल गया, 1/3। अब आपको ये बताना है कि ये एक्स की जो वैल्यूज आपको दी हैं वो 0 से लेके 5π तक दी हैं, 0 से 5π तक, 0 से 5π का मतलब आप समझ रहे हो, ये 0 से 2π हो गया, फिर ये 2π से 4π हो गया, यहाँ तक 4π आ गए, और फिर 5π बोले तो यहाँ पर आ गए, कितनी वैल्यूज हैं, 0 से 5π का मतलब ये है, ठीक है, एक कंप्लीट रोटेशन 360 डिग्री, फिर दूसरा कंप्लीट रोटेशन 4π, फिर और आधा, मतलब ढाई रोटेशन हमने किए हैं, 2.5 रोटेशन में आपको बताना है कि कितनी वैल्यूज होंगी जो साइन एक्स बराबर 1/3 आपको देंगे। तो आप जानते हो कि यदि मैं 0 से पाई तक बात करूं, सॉरी पूरा एक कंप्लीट रोटेशन, साइन एक्स हमको पॉजिटिव दिया है और साइन केवल दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, मतलब मैं जब 0 से 360 की बात करूंगा तो कितने हमको एंगल मिलेंगे, 0 से 360 डिग्री तक, मतलब 0 से 2π तक कितनी वैल्यू मिलेंगी, 2। फिर जब मैं एक राउंड और कंप्लीट करूंगा, मतलब 2π से जब मैं 4π तक लिखूंगा तो और 2 वैल्यू मिलेंगी, और फिर मैं जब आधा वैल्यू और कवर करूंगा, मतलब फिर मैं 4π से 5π तक जाऊंगा, तो 4π से 5π तक और मेरे को कितनी वैल्यू मिल जाएंगी, 2। टोटल कितनी वैल्यूज आएंगी, 6। अभी समझ गया भूमिका? यस सर। नाउ टेक द स्क्रीनशॉट, बाकी अपन करेंगे कल की क्लास में, आज के लिए फिलहाल इतना, बाय एवरीवन।